पाठ 10 उपसर्ग प्रीफिक्स देखिए पढ़िए और समझिए औजार अ जमाजार बराबर औजार परतंत्र पर जमा तंत्र बराबर परतंत्र उपहार उप जमाहार बराबर उपहार उपयुक्त औजार परतंत्र और उपहार शब्द जार तंत्र तथा हार शब्दों से पहले क्रमशः अ पर तथा उप शब्दांश लगाने से बने हैं। यहाँ जार तंत्र और हार मूल शब्द हैं, जिनके पहले अ पर तथा उप शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए गए हैं। ये शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं। शब्दांश का अर्थ है शब्द का अंश। अन्य उदाहरण शब्द ज्ञान देश भिन्न दान योग रोध। उपयुक्त शब्दों में वि शब्दांश को जोड़कर देखिए। वि शब्दांश विज्ञान विदेश विभिन्न विदान वियोग विरोध। आपने ध्यान दिया कि मूल शब्दों के पहले वि शब्दांश जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया। ऐसे शब्दों को ही उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे सत्य का अर्थ सच होता है, लेकिन सत्य शब्द से पूर्व अ उपसर्ग का प्रयोग करें तो सत्य का विलोम असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार उपसर्ग शब्दों को प्रभावित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में चार प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग अधि अर्थ ऊपर श्रेष्ठ, शब्द रचना अधिपति अधिकार अधिकरण। उपसर्ग अव अर्थ नीचे हीन बुरा। शब्द रचना अवगुण अवनति अवरोह। उपसर्ग अभी अर्थ सामने पास चारों ओर। शब्द रचना अभिनव अभिशाप अभियोग। उपसर्ग उत अर्थ श्रेष्ठ ऊंचा। शब्द रचना उत्साह उत्थान उत्कर्ष। उपसर्ग दुर अर्थ बुरा कठिन। शब्द रचना दुर्गम दुर्लभ दुर्बल। उपसर्ग दुस अर्थ बुरा। शब्द रचना दुस्साहस दुष्परिणाम दुष्कर्म। उपसर्ग नी अर्थ अच्छी तरह। शब्द रचना निवारण निबंध निवेदन। उपसर्ग निर अर्थ निषेध रहित। शब्द रचना निर्बल निर्धन निर्गुण। उपसर्ग निस अर्थ रहित निषेध। शब्द रचना निष्कपट निश्चल निसंदेह। उपसर्ग परा अर्थ उल्टा पीछे। शब्द रचना पराजय पराक्रम पराकाष्ठा। उपसर्ग परि अर्थ सब ओर। शब्द रचना परिवर्तन परिणाम परिक्रमा। हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग अध अर्थ आधा। शब्द रचना अधपका अधखिला अधमरा। उपसर्ग अन अर्थ अभाव निषेध। शब्द रचना अनजान अनपढ़ अनहोनी। उपसर्ग अ अर्थ अभाव निषेध। शब्द रचना अचेत अछूत अकाल। उपसर्ग उ अर्थ अभाव रहित। शब्द रचना उजाड़ उखाड़ उऋण। उपसर्ग उन अर्थ एक कम। शब्द रचना 19 49 59। उपसर्ग अ अर्थ दीनता रहित। शब्द रचना औगुण औसर औजार। उपसर्ग नि अर्थ निषेध रहित। शब्द रचना निकम्मा निहत्था निडर। उपसर्ग भर अर्थ पूरा। शब्द रचना भरपूर भरपेट भरसक। उपसर्ग कु अर्थ बुरा। शब्द रचना कुकर्म कुसंगति कुरूप। उपसर्ग दु अर्थ बुरा हीन
शब्द रचना दुबला, दुसाखा, दुखड़ा। उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग कम, अर्थ थोड़ा, शब्द रचना कमजोर, कम अक्ल, कम सिन। उपसर्ग खुश, अर्थ अच्छा, शब्द रचना खुशबू, खुशखबरी, खुशनसीब। उपसर्ग गैर, अर्थ भिन्न, अलग, शब्द रचना गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर हाजिर। उपसर्ग दर, अर्थ में, शब्द रचना दरमियान, दरअसल, दरगुजर। उपसर्ग ना, अर्थ नहीं, अभाव, शब्द रचना नापसंद, नालायक, नासमझ। उपसर्ग ब, अर्थ अनुसार के साथ, शब्द रचना बखूबी, बनाम, बजिद। उपसर्ग बा, अर्थ के साथ, शब्द रचना बाइज्जत, बाकायदा, बाअदब। उपसर्ग बद, अर्थ बुरा, शब्द रचना बद शक्ल, बदनाम, बदतमीज। उपसर्ग ला, अर्थ अभाव, बिना, शब्द रचना लापता, लापरवाह, लावारिस। उपसर्ग हम, अर्थ साथ, शब्द रचना हम सफर, हम उम्र, हमदर्द। उपसर्ग हर, अर्थ सभी, प्रत्येक, शब्द रचना हर तरफ, हर साल, हर एक। उपसर्ग बे, अर्थ रहित, बिना, शब्द रचना बेकाबू, बेवजह, बेचारा। विशेष उपसर्ग शब्दांश स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त न होकर मूल शब्दों से जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय उपसर्ग अध, अर्थ नीच, शब्द रचना अध पतन, अधोगति। अंतर अंदर, अंतरराष्ट्रीय, अंतःकरण, अंतरात्मा। अलम पर्याप्त, अलंकार, अलंकृत। अवि प्रकट, आविष्कार, आविर्भाव। चिर बहुत समय, चिरकाल, चिरस्थाई, चिरंजीव। सत अच्छा, सत्कर्म, सत्कार, सत्संग। पुनः फिर से, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, पुनर्विवाह। सह साथ, सहयोग, सहपाठी। पुरा प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व। स सहित, सहर्ष, सकुशल। अधि श्रेष्ठ, अधिकारी, अधिपति, अधिष्ठानी। अव बुरा या हीन, अवतरण, अवनति, अविशेष। आओ पाठ दोहराएं। शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में चार प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत